नमस्कार, बेबाक रैना पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, लेकिन हरियाणा के कुछ जिलों को छूट मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक बेशक लॉकडाउन को बढ़ा दिया हो, लेकिन उन्होंने पूरे देश को साफ संदेश दिया है कि जो जिला बेहतर करेगा वहाँ 20 अप्रैल के बाद सशर्त छूट दी जाएगी। पीएम मोदी की इस बात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी छूट देने के संकेत दिए हैं। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो इस लिस्ट में आ सकते हैं, जिनमें रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पानीपत, सिरसा, हिसार आदि हैं। बीते दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकेत दिए हैं कि राज्य में लागू लॉकडाउन के दौरान पहले सप्ताह में सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा है कि कष्ट के दिन कम रह गए हैं और अंधेरा बस छटने वाला है, सवेरा होने वाला है, कोरोना हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा। जी हाँ, अब हमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा, जिसके चलते ही हम कोरोना से निपट सकते हैं। कोरोना हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा भी। अब दूसरा चरण 3 मई तक चलेगा। जिन जिलों में कोरोना के केस कम होंगे वहां पर 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक गतिविधियों सहित अन्य कई तरह की छूट दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि आज की तारीख में प्रदेश के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, पानीपत, सिरसा आदि ऐसे जिले हैं जिनमें 20 अप्रैल के बाद छूट मिल सकती है। हालांकि ये लिस्ट 20 अप्रैल तक और लंबी हो सकती है, क्योंकि कई जिले 20 अप्रैल तक की कसौटी पे सफल होकर खुद को इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जहां महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में अभी तक कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है, रोहतक में भी पिछले 21 दिनों से कोई केस नहीं है, वहीं पानीपत में एक केस आने की खबर आ रही है। अब हिसार से शायद पानीपत इस लिस्ट में बाहर हो गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 20 अप्रैल तक कौन सा जिला खुद को बेहतर साबित कर सकेगा। जी हाँ, अब हमें कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा, तभी हमें कुछ रियायतें मिल सकती हैं। धन्यवाद।